नमस्कार मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरा नाम है आनंद और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं द पॉजिटिव साइड ऑफ ब्रेकअप के बारे में, यानी कि ब्रेकअप की शक्ति, ब्रेकअप के बाद हम अपनी लाइफ में क्या क्या उखाड़ सकते हैं, कैसे उखाड़ सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं मेरे दोस्त। और चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब भी आप किसी रिलेशनशिप में थे, अपने बॉयफ्रेंड के साथ थे या फिर अपने गर्लफ्रेंड के साथ थे, अब क्या क्या था आपका पूरा का पूरा टाइम जाता था, सुबह दोपहर शाम दिन रात सब कुछ लगे पड़े थे, बाबू जानू ये होता होगा नहीं होता होगा ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और आपकी पूरी पूरी एनर्जी जाती थी इन सभी चीज़ों के बारे में, ब्लॉक अनब्लॉक करना, ठीक है, छोड़ने छाड़ने की बातें, कस्में वादे प्यार वफा सब जो कि बातें हैं, बातों का क्या, इन सभी चीज़ों के बारे में आपका पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव बना पड़ा था, आपकी पूरी की पूरी एनर्जी लगती थी, पूरा का पूरा टाइम जाता था आपका इन सभी चीज़ों में। अब आपका हो गया है ब्रेकअप, ठीक, अब एनर्जी आपके पास है सेफ। तो एनर्जी के बारे में आपने एक लॉ पढ़ी होगी कि एनर्जी इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो अभी आपके पास एनर्जी है, अब चाहे दो वे में यूज कर सकते हैं इसे, चाहे क्रिएटिव वे में यूज कीजिए, चाहे डिस्ट्रक्टिव वे में। डिस्ट्रक्टिव कर लीजिए, खुद को बर्बाद कर लीजिए, तनहा छोड़ दीजिए, अपनी जिंदगी बर्बाद कर लीजिए, पढ़ाई लिखाई छोड़ के, जॉब वॉब छोड़ के, जो कुछ भी है, या फिर अपनी लाइफ को क्रिएटिव बनाइए, खुद को क्रिएटिव बनाइए और अपनी लाइफ में उखाड़िए, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करने वाले हैं। अब देखिए कैसे करें। अब जब आप रिलेशनशिप में थे तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, जरा भी टाइम नहीं था कि आप सोच सकें कि अपने बारे में मुझे क्या करना है, गोल्स के बारे में। सोचते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सोचते होंगे तो ये होता है मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ, मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं, अब आपके पास टाइम है मेरे दोस्त, अब आपके पास टाइम है सोचने के लिए, समझने के लिए कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका पैशन क्या है, आपका गोल क्या है, आपका टैलेंट क्या है, आप क्या करने वाले हैं आगे चल के। सोचिए, समझिए, देखिए, फैसला लीजिए, अपने इंटरेस्ट को चुनिए, पैशन को फॉलो कीजिए, ये। और चाहे तो खुद को बर्बाद भी कर सकते हैं, नंगे पुंगे बन के खत्म कर लिए खुद को, गांजा वंजा पी के, दारू वारू पी के, मस्त ठुल्लू निठल्ला बन के खत्म कर दिया अपनी जिंदगी, और फिर कह रहे हैं यार मैं तो बर्बाद हो गया उसकी वजह से, या तो मैं बर्बाद हो गई उसकी वजह से। ऐसा नहीं है, आप बर्बाद होते हैं अपनी वजह से, और आप आबाद करने वाले हैं खुद को, खुद की वजह से। कोई आपको आबाद करने के लिए नहीं आएगा, ना तो कोई आपको बर्बाद करने के लिए आता है। हाँ, वो एक हेल्प देता है, लेकिन करना तो आपको ही है, कोई सपोर्ट सिस्टम दे सकता है लेकिन करना आपको ही है, आपको ही अपने गोल्स अचीव करने हैं, आपको ही अपना पैशन फॉलो करना है, दैट्स इट, और कोई नहीं आने वाला है। तो ब्रेकअप के बाद अपनी लाइफ में उखाड़िए, ना कि उखड़िए। कई लोग उखाड़ते हैं और कई लोग खुद ही उखड़ जाते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है मेरे दोस्त कि आप किस टाइप के बंदों में से हैं, या फिर किस टाइप की बंदियों में से हैं आप, या आप क्या करना पसंद करेंगे, खुद को क्रिएट करना पसंद करेंगे या फिर खुद को डिस्ट्रक्ट करना पसंद करेंगे। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू माई फ्रेंड, वेदर यू वॉन्ट क्रिएट योर सेल्फ और यू वॉन्ट टू डिस्ट्रक्ट योर सेल्फ। और आपकी लाइफ आपके ऊपर है, तो आप जो करना चाहें वो करें। आई एम जस्ट गिविंग यू द एडवाइस, बींग अ गुड फ्रेंड, बींग अ गुड एडवाइजर, दैट्स इट एंड नथिंग एल्स माई फ्रेंड। तो ब्रेकअप के बाद अपनी एनर्जी को अपने दिल में, अपने अंदर आग लगाइए। वो आग नहीं फेफड़े जल जाएं आपके, ऐसा कुछ नहीं, अपने अंदर आग लगाइए इंतकाम, खुद के लिए, उसके लिए नहीं यार, वो तो गई भाड़ में, वो तो गया भाड़ में, खुद के लिए मुझे कुछ करना है, खुद के लिए अचीव करना है, ताकि मैं खुद की नज़रों में मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट सेल्फ स्टीम बनी रहे, दैट यस आई एम समथिंग, आई एग्जिस्ट, इसके लिए, ना कि उसके लिए। वो कौन होता है या फिर वो कौन होती है, लेट देम गो टू हेल, तेल लेने गए यार वो सब। आपको अब खुद के लिए देखना है कि आप खुद के लिए क्या कर सकते हैं, खुद का आपका पैशन क्या है, खुद का इंटरेस्ट क्या है। देखिए, जानिए, आपके पास पूरा का पूरा टाइम है, आपको आपको पता होगा, अंदर से आपको बुरा लगता होगा, लेकिन आप जान रहे हैं कि आपके पास अभी टाइम पड़ा है, बहुत सारा टाइम है। सुबह आप उठते हैं तो कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, रात को कोई गुड नाइट लिखने की जरूरत नहीं है, सुबह गुड मॉर्निंग लिखने की जरूरत नहीं है, गुड आफ्टरनून लिखने की जरूरत नहीं है, कहाँ हो क्या कर रहे हो खाया पिया कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है भैया। अब देन यू हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी फॉर यू एंड यू गोना यूज दैट यार, यू नीड टू यूज दैट, वरना वो एनर्जी चली जाएगी। अपने अंदर आग लगाइए और बढ़िया आगे। बहुत आपने रो लिया धो लिया कि नहीं अब तो नहीं हो सकता, अब अंदर आग लगाइए, अब आंखों से आंसू नहीं निकलने चाहिए। अब जब मेरा ब्रेकअप हुआ था, दो तीन बार रो लिया, चौथी बार ना आंखों से मतलब आग निकलनी चाहिए, दिल में आग होनी चाहिए,
दिमाग में आग होनी चाहिए, नहीं मुझे अब करना है यार, जो हो गया सो हो गया, चलो निकलो अपनी अपनी लाइफ में, हम आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में और देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है, हम चलो आगे बढ़ते हैं, एक कदम तो बढ़ाते हैं यार, जिंदगी तो बढ़ेगी, एक कदम तो बढ़ाओ, सब कुछ होगा यार। ऐसे उदास और ऐसे गुमसुम बैठ के मत रहो, आगे बढ़ो, कुछ तो करो यार, पढ़ाई लिखाई इधर तो कुछ भी करो यार, कुछ भी, वॉट वर्क्स फॉर यू, गो फॉर इट यार, गो फॉर इट, समझे मेरे दोस्त। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मेरी उम्मीद मेरा विश्वास यही रहेगा कि अपनी लाइफ में उखाड़ेंगे कुछ जरूर, और उखड़ना नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू मेरे दोस्त, स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, पीस।